धवल जायसवाल में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सुल्तानपुर का निवासी थे और एक मध्यम वर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित भी रखते थे। वह 6 वर्ष के थे जब उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद उनके चाचा जी ने ही समस्त पारिवारिक दायित्वों को निभाया। तो किस प्रकार उन्होंने संघर्ष करके एक सफल IAS बनने के लिए IAS बने, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। उनकी सफलता उन्हीं के परिश्रम का परिणाम है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्ण की। उनके व्यक्तित्व निर्माण में इन तीनों विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उत्तर भारत के अधिकांश युवाओं की तरह उनका भी सपना सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित सेवा में शामिल होने का था और यकीन मानिए उनके यहाँ यह निजी सपने से बढ़कर परिवार, गांव और शहर का सामूहिक सपना बन जाता था। बस इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। इस यात्रा में उन्होंने एकेडमिक पाठन को करियर विकल्प के रूप में विकसित किया और वह दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत भी हुए। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अनिश्चितता को देखते हुए करियर विकल्प होना एक सकारात्मक पहलू है। इससे आप आत्मनिर्भर होते हैं तथा परीक्षा के दौरान अनावश्यक दबाव से मुक्त रहते हैं। उन्हें यह सफलता अपने 4th प्रयास में मिली। इसके पूर्व के प्रयासों से समय प्रबंधन उनके लिए बड़ी चुनौती रहा। सिविल की तैयारी और अकेडमिक करियर के बीच सामंजस्य स्थापित करना भी उनके लिए काफ़ी बड़ा कठिन कार्य था। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के 2 मूल मंत्र हैं, धैर्य और निरंतर परिश्रम। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में आप बहुत अधिक चयनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। पाठ्यक्रम का संपूर्ण अध्ययन ही उचित रणनीति है। प्रायः अभ्यर्थी अपनी पारिवारिक या शैक्षणिक पृष्ठभूमि को लेकर चिंतित रहते हैं। ध्यान दें, यह परीक्षा आपकी योग्यता की है, न कि आपके पृष्ठभूमि की। किसी कवि ने सही कहा है, ठंड से नहीं मरते शब्द, मर जाते हैं वह साहस की कमी से। सिविल सेवा में चयनित होने के पश्चात देश की संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार अपने पद की गरिमा और कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने अकेडमिक अनुभव से रचनात्मक योगदान देने की इच्छा है। उनकी तरफ से सिविल सेवा अभ्यर्थियों और युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप में विश्वास बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें। कोशिश करें कि चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य का निर्धारण करें और उसकी प्राप्ति का मूल्यांकन समय समय पर करते रहें। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को विशेष सुझाव वह यह देना चाहते हैं कि अपने परीक्षा माध्यम को लेकर संशक्तित न हों, यानी आप डरे नहीं, अपने माध्यम पर भरोसा बनाए रखें। अंत में वह निराला की पंक्तियां उद्घृत करना चाहते हैं। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। तो यह थी हमारी आज की सक्सेस स्टोरी। आप कौन से IAS ऑफिसर की सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या UPSC के लिए अपने व्यक्तित्व निर्माण को करना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कुछ चुनिंदा किताबें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप इन सभी किताबों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। UPSC की परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आप सभी के लिए UPSC 27 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। IAS डॉक्टर मनीष रंजन के इस पुस्तक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स एंड ट्रेंड एनालाइज। अगर आप इस पुस्तक को प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेंगी इसके 3 सैम्पल चैप्टर्स, जिसे पढ़कर आप इस बुक की महत्ता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें और जल्दी ऑर्डर करें।